हेलो एवरीवन, खाना बनाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बढ़िया स्वाद पाने के लिए सब्जी काटने से लेकर उसे पकाने तक हर काम को सही तरीके से करना आवश्यक है। इसके साथ जोड़ दिए जाए अगर ये अद्भुत टिप्स तो खाने का स्वाद हो जाएगा दोगुना। आइए जानते हैं खाना बनाने के आसान कुकिंग टिप्स। सबसे पहला हमारा टिप्स है, अगर आपकी रोटियां या पराठे ज़्यादा टाइट या क्रिस्पी बनते हैं तो छेना फाड़ने के बाद बचे पानी का इस्तेमाल आटा लगाने के लिए करें। इससे रोटी या पराठे अधिक स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेंगे। दो नंबर, अगर पकोड़े बना रहे हैं तो पकोड़ों के घोल में बेसन के साथ साथ थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला दें। इससे पकोड़े ज़्यादा कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर तीन, अक्सर हम घर में बची बासी ब्रेड को फेंक देते हैं, पर इसका इस्तेमाल आगे भी किया जा सकता है। घर में बची पुरानी ब्रेड को आप एक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में कर सकते हैं। कटलेट स्वादिष्ट होगा और टूटेगा नहीं। चार नंबर, अगर कुछ भी मीठा रहे तो बनाते समय उसमें चुटकी भर नमक डालें, इससे व्यंजन का मीठापन निखर जाएगा। पांच नंबर पर है, अगर ढाबे जैसे खिले खिले और सफेद चावल बनाना चाहते हैं तो चावल को पकाते समय उसमें एक चम्मच घी और कुछ बूंद नींबू का रस डाल दें, इससे चावल दूध की तरह सफेद और खिले बनेंगे। छह नंबर पर है हमारा टिप्स, किसी भी सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करते समय जब प्याज भून रहे हैं तो उसमें चुटकी भर चीनी भी डाल दें, इससे ग्रेवी का रंग निखर जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। सात नंबर पर हमारा टिप है, अगर पूरियां उतारने की तैयारी कर रहे हैं तो पूरियों को बेलने के बाद कुछ देर तक फ्रिज में रख दें, इससे तलते समय पूरियों में ज़्यादा तेल नहीं भरेगा। आठ नंबर पर हमारा टिप्स है, सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं तो सूजी को सेकते वक्त उसमें ज़रा सा बेसन भी मिला दे, इससे हलवा अधिक स्वादिष्ट बनेगा। नौ नंबर पर हमारा टिप है, ग्रेवी में तेल या घी ज़्यादा हो जाए तो ग्रेवी को फ्रिज में रख दे, जब अतिरिक्त तेल या घी ऊपर आ जाए तो इसे चम्मच से निकाल दे और परोसने से पहले पुनः गरम कर ले। नंबर दस, भिंडी का स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जी पकाते समय उसमें नींबू का रस डाल दे, इससे भिंडी चिपचिपी नहीं बनेगी। 11 नंबर पर, अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं तो जब अंडा फेंट रहे हो उसमें दो चम्मच दूध मिला ले, इससे ऑमलेट अधिक मुलायम बनेगा। 12 नंबर, मलाई से अधिक मात्रा में घी निकालना चाहते हैं तो मलाई को बर्फ डालकर मिक्सर में चलाएं, इससे सारा घी ऊपर आ जाएगा और छाछ नीचे रह जाएगा। इस छाछ का इस्तेमाल कढ़ी और इडली का घोल बनाने में किया जा सकता है। 13 नंबर पर हमारी टिप है, अगर बिना अंडे का केक बनाना चाहते हैं तो उसके बैटर में पका केला और दही डाल दे, इससे केक फ्लफी बनेगा। 14 नंबर पर हमारा टिप है, लौकी के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं तो लौकी कद्दूकस करने में बाद निकले पानी किसे पराठे का आटा लगाए, पराठे मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। 5 नंबर पर हमारा टिप है, 15 नंबर पर हमारा टिप है, प्याज को काटने से पहले उसे ठंडे पानी में डुबो कर रखें, इससे प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो हमारे आज के 15 टिप्स आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब
और बेल प्रेस भी कर दीजिए।